नेता नहीं हूं, लेकिन आज नहीं तो कल तो बनना ही है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना कि खेसारी भैया कल नवादा स्टेज शो में ये अनाउंस कर दिए कि मैं भी नेता बनूंगा, और ये बहुत ही बड़ी खबर है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मेरे भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पवन भैया भी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो खेसारी भैया कल रात को क्या अनाउंस किए हैं, क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं, पूरा सबूत के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। रिक्वेस्ट बस यही रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानकारी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल भोजप्रिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दें मेरे भाई कि बहुत सारे मेरे दोस्तों का ये सवाल रहता है कि क्या खेसारी भैया भी चुनाव लड़ेंगे। आज से कुछ दिन पहले अखिलेश कश्यप जी का भी एक इंटरव्यू आया था, जिसमें मीडिया वाले भाई ये सवाल पूछते नजर आए थे कि क्या खेसारी भैया इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश कश्यप जी ने तो ये बात बोला था कि हमारे खेसारी भैया लड़ेंगे तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, संसद और विधायक बनना रहता तो वो कब के बने होते। तो यहां पर आप लोगों को बता दूं कि ये बात से तो ये मुद्दा शांत हो गई थी, लेकिन जैसे ही कल खेसारी भैया नवादा के स्टेज शो में ये बात बोले कि मैं भी नेता बनूंगा, तब से ये मुद्दा फिर से गर्म हो गया मेरे भाई। आप लोगों को बता दें कि खेसारी भैया ने ये बात भी बोला कि तेजस्वी भैया ने जो 17 महीना में किया है, बाकी नेताओं ने 20 साल में नहीं किया था, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। तेजस्वी भैया ने 2.5 लाख नौकरी मात्र 17 महीने में दिया है, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, और खेसारी भैया इस बात का तारीफ भी किए। लेकिन ये बात भी खेसारी भैया बोले कि आज नहीं तो कल मैं भी नेता बनूंगा। अगर आप लोगों को इस बात का सबूत चाहिए तो यहाँ पर वो सबूत दिखिए, ये क्लिप देखिए। मुझे दुख है इस बात का, मैं नेता नहीं हूं, लेकिन आज नहीं तो कल तो बनना ही है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोगों ने सुना ना, खेसारी भैया बोले आज ना तो कल मुझे भी नेता बनना है। तो ये तो कंफर्म है कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार कभी ना तो कभी चुनाव लड़ेंगे, और लेकिन जब भी लड़ेंगे बवाल बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगा मेरे भाई, क्योंकि हमारे खेसारी भैया विधायक और मुझे नहीं लगता है कि संसद के चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कुछ बड़ा सीट के ही लड़ेंगे। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव किस पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने हिसाब से उस पद का नाम जरूर लिखिएगा। और अगर ये जानकारी सुनकर आप लोगों को मजा आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।